मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है आजकल। विभीषिका का स्मृति दिवस क्या मना रहा है? अभी कोविड की विभीषिका हुई, उसके बारे में तो कुछ नहीं सुना हमने। और अगर ऐसा ही था माननीय प्रधानमंत्री जी, तो देश के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान डे यानी कि 22 मार्च जिस दिन डिक्लेरेशन 40 को हुआ था उसको पाकिस्तान डे कहते हैं, लंबे लंबे खत क्यों लिखा करते थे आप? तो प्रधानमंत्री जी मनसा वाचा कर्मणा में आप इस देश के प्रधानमंत्री बने रहिए, इस देश के सरोकारों पर बात करिए, आप इस देश की दिक्कतों से मीलों दूर हो गए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में स्थित जो राबड़ी भवन है और RJD का राष्ट्रीय कार्यालय है, यहाँ पर पार्टी के सीनियर लीडर जो राज्यसभा सांसद मनोज झा हो, प्रेमचंद गुप्ता हो, जयप्रकाश नारायण समेत तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनकी मौजूदगी देखने को मिली। और यहाँ उनकी मौजूदगी में ही ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद और RJD के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि जो आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामना है, लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा कि जो 75वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, क्या हम जो लोगों की आज़ादी है, जो लोगों की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो क्या आज भी महफूज है, सुरक्षित है? इसको लेकर राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। देखिए, 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये अवसर मूल्यांकन का भी है। 75वां सालगिरह मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि आज़ादी, न्याय जैसी चीज़ें क्या पहले की तरह महफूज रह गई है या उस पर बादल मंडरा रहे हैं, ये एक संदेश होना चाहिए। सर, वाद विवाद संवाद होना चाहिए, राष्ट्रपति ने ये अपने संबोधन में कहा है कि संसद में जरूरी है वाद विवाद और संवाद, जिसकी कमी अब दिख रही है। नहीं, बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ माननीय महामहिम की बातों से, लेकिन संवाद की कला उनको बताना होगा जो लोग सरकार चला रहे हैं। वो संवाद में विवाद ढूंढते हैं, संवाद का कैसे कत्ल किया गया है। बीते अगर मैं सिर्फ इसी सत्र की बात करूँ, माई वे और हाई वे, संसदीय लोकतंत्र इस रवायत से नहीं चलता है। आप नई इमारत बना रहे हैं संसद की, लेकिन संसदीय इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। सर, विभाजन विभिष्का स्मृति दिवस 14 अगस्त को हर साल अब मनाया जाए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है आजकल। विभीषिका का स्मृति दिवस क्या मना रहे हैं? अभी कोविड की विभीषिका हुई, उसके बारे में तो कुछ नहीं सुना हमने। और अगर ऐसा ही था माननीय प्रधानमंत्री जी, तो देश के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान डे यानी कि 22 मार्च जिस दिन डिक्लेरेशन 40 को हुआ था उसको पाकिस्तान डे कहते हैं, लंबे लंबे खत क्यों लिखा करते थे आप? तो प्रधानमंत्री जी मनसा वाचा कर्मणा में आप इस देश के प्रधानमंत्री बने रहिए, इस देश के सरोकारों पर बात करिए, आप इस देश की दिक्कतों से मीलों दूर हो गए। सर, एक आखिरी सवाल, कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय में इन्फॉर्मेशन गया है कि आपके पत्र को एक्सेप्ट कर दिया गया, महज इतना इन्फॉर्मेशन की एक्सेप्ट किया गया? मैं तो कहूँगा कि ये आप सवाल कैसे पूछ रही हैं कि एक्नॉलेज, किसी पत्र की पावती भी अब खबर है? ये इससे पता चलता है कि देश की हालत क्या हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी जी ने कल पत्र लिखा, तो ये जो प्रधानमंत्री जी वक्त नहीं दे रहे हैं, वो पूरे बिहार विधानमंडल का ही नहीं, बिहार के मानस का अपमान है माननीय प्रधानमंत्री जी। और बिहार जागता है तो देश को जगा देता। तो आपने सुना RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा का साफ तौर पर कहना है कि आज भले ही 75वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा हो, लेकिन हमें जो रणनीति है, लोगों की जो सुरक्षा आज़ादी है, उन सब को लेकर बातचीत करनी होगी। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा, न्यूज फाउंडेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक खबर है, न्यूज फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।